लोकसभा चुनाव से पहले नेता से लेकर पार्टी तक सभी 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और क्षेत्रीय दल, सभी लोगों ने जनता से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। जनता को अपनी तरफ मिलाने के लिए और अपनी स्थिति ठीक करने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए सभी पार्टियां धुआंधार जनता से संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता भी पार्टी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे हैं और अपने अपने आका से संपर्क बनाना और टिकट मांगना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में गुजरात में बीजेपी के दांत खट्टे करने वाले और रातों की नींद हराम करने वाले 22 साल के हार्दिक पटेल अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हार्दिक ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और उस वक्त की मुख्यमंत्री रही आनंदीबेन पटेल को सत्ता से हटाना पड़ा। लेकिन आरक्षण बाद में गुजरात हाईकोर्ट में गिर गया, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का समर्थन कर बीजेपी को हराने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी हारी तो नहीं, पर हार्दिक पटेल का ही असर था कि बीजेपी 100 पर सिमट गई। उसके बाद अब एक बार फिर बीजेपी को मजा चखाने के लिए हार्दिक पटेल गुजरात में बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के टिकट पर अमरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हम आपको ये बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अमरेली की सभी 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। हालांकि ये बात अलग है कि हार्दिक पटेल हमेशा से ही राजनीति से दूर रहने का दावा कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव आने के साथ ही उन्होंने राजनीति में एंट्री मारने का निर्णय ले लिया। वहीं हार्दिक के दोस्तों ने इस निर्णय की सख्त आलोचना की। गुजरात में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने से गुजरात में मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में एक तरफ से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए गुजरात में राह मुश्किल होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार न मोदी का करिश्मा है और न ही 2014 की तरह हवा। ऊपर से यूपी में गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे रहा है। ऐसे में कई चैनलों का सर्वे है कि इस बार हंग लोकसभा आने की उम्मीद है, तो बीजेपी सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसके लिए नुकसान की भरपाई के लिए कई और हाथ मार रही है, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है और इस नुकसान की भरपाई कहां से कर पाती है।